एक बार बालवी, अनन्या, मस्तीपरी और बालपरी चारों लोग पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं और कुछ देर बाद ही वो पिकनिक वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी बालपरी उन तीनों को कहती है, मैं यहीं पर रुकती हूँ और मैं तुम सबके लिए टेंट लगाती हूँ। तब तक तुम तीनों लोग खाने के लिए और कुछ जलाने के लिए लकड़ियाँ लेके आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही वो वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बालपरी की लाश पड़ी हुई मिलती है। मतलब वहाँ पर बालपरी का मर्डर हो चुका है। तो बालवीर उन दोनों को कहता है, तुम जल्दी से बता दो मेरी माँ का मर्डर किसने किया। तो वो दोनों लोग कहते हैं, हमने बालपरी का मर्डर नहीं किया है। तो बालवीर पुलिस को वहाँ पर बुला लेता है। कुछ देर बाद ही पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं और तहकीकात करने लगते हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस उन तीनों से पूछताछ करने लगती है। सबसे पहले बालवीर से पूछती है तो बालवीर कहता है, मैं तो लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गया था। उसके बाद में मस्ती परी कहती है, मैं सबके लिए पानी लेने के लिए गई थी। और सबसे और आखिरी में अनन्या कहती है, मैं तो जंगल में फ्रूट ढूंढने के लिए गई थी क्योंकि हम चारों लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। पुलिस उन तीनों की बातों को ध्यान से सुनती है, फिर भी कातिल का पता नहीं लगा पाती है। तभी पुलिस को साइड में एक घड़ी मिलती है। तो पुलिस थोड़ी देर बाद ही खूनी का पता लगा लेता है। क्या दोस्तों आप बता सकते हो इन तीनों में से खूनी कौन होगा? थोड़ा आप ध्यान से देखिए और सोचिए और अपने जवाब हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस पहेली का एकदम सही आंसर हम सब देख रहते हैं। इन तीनों में से खूनी अनन्या है क्योंकि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जब वो चारों लोग पिकनिक के लिए आए थे उस समय अनन्या ने अपने हाथ में एक घड़ी पहनी थी और वो घड़ी अनन्या की ही है। इसका मतलब जब अनन्या बालपरी का मर्डर कर रही होगी तभी गलती से वो घड़ी यहाँ पर गिर गई होगी। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी आज की पहली वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल पहेली किंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट करें जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।